रेलगाड़ी में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। रेलवे विभाग ने दैनिक यात्रियों को फिर से सुविधा देने के लिए 3 सितंबर से डेली पैसेंजर पास बनाने की घोषणा कर दी है। कोरोना के चलते रेलगाड़ियां बंद हो गई थी, जिस कारण दैनिक यात्री पास भी बंद हो गए थे। अब धीरे धीरे रेलवे सभी बंद पड़ी रेलगाड़ियों को चला रहा है। बता दें, लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे में ट्रेन बंद कर दी गई थी। कोरोना कम होने के बाद रेलवे ने रेलगाड़ियों को फिर से चलाना शुरू किया था, लेकिन रेलवे टिकट की केवल एडवांस बुकिंग ही हो रही थी, जिसे अब रेल विभाग ने करंट टिकट के लिए खोल दिया है। अब लोग नॉर्मल टिकट भी लेकर यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ साथ अब कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए पास भी शुरू करने जा रहा है। विभाग डेली पैसेंजर के लिए पास सुविधा भी शुरू करने जा रहा है। अंबाला रेलवे स्टेशन के निदेशक BS गिल ने बताया कि रेल विभाग में कुछ एक्सप्रेस मेल गाड़ियों में MSP की सुविधा शुरू की गई है, जिनमें से अंबाला डिवीजन से निकलने वाली 2 मेल रेलगाड़ियों से रोजाना आने जाने वाले डेली पैसेंजर के लिए पास बनवाने की सुविधा को लागू किया गया है। रेलवे विभाग द्वारा 2 नॉमिनेटेड ट्रेनों में सहारनपुर से ऊना हिमाचल और अंबाला से लुधियाना जाने वाली 2 गाड़ी में ही MSP लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि कल यानी 3 सितंबर से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। जो MST QST है, ये 3 तारीख से 3/9/2021 से दोबारा नॉमिनेटेड ट्रेन्स हैं, उन्हीं के लिए वैलिड रहेगी। अंबाला की स्टेशन पर 2 गाड़ियां नॉमिनेटेड हैं, जिनमें ये MST QST बनाई जाएगी। ये आपकी सहारनपुर से ऊना हिमाचल और अंबाला लुधियाना 4501, 4502, 4503, 4504, ये 2 ही गाड़ियां हैं जो नॉमिनेटेड हैं। इसमें मेल एक्सप्रेस का ही MST QST बनेगा आपका। ये कोरोना में जब लॉकडाउन आपका इंप्लीमेंट हुआ था, तभी से बंद है, और ये अब दोबारा से ये फैसिलिटी जो है डेली पैसेंजर्स के लिए दी जा रही है। नहीं, वो तो आपको जो फिगर्स हैं वो बुकिंग ऑफिस से मिल सकते हैं, किसी ने मंगवाया तो नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये MST QST जो है मेल एक्सप्रेस, तो उसमें जो है ये ट्रेन नॉमिनेटेड हैं, उन्हीं का फेयर लिया जाएगा। खबर हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।